गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेन बूस्टर ठीक है ब्रेन बूस्टर के बारे में मतलब ये चैप्टर नंबर टेन है फ्रॉम जी के क्लास थर्ड एंड चैप्टर नंबर टेन पेज नंबर फोर्टीन ठीक है ब्रेन बूस्टर वॉट इज ब्रेन बूस्टर ब्रेन मतलब होता है दिमाग बूस्टर मतलब उसको बूस्टअप करना और बढ़ाना Every healthy food we eat have a nutritional value, but some food particularly boost our brain. मतलब every healthy food जो होते हैं वो मतलब जो फूड्स uh, होते हैं वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए होते हैं लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे ब्रेन को भी डेवलप करते हैं ब्रेन को भी बूस्ट करते हैं द फूड आइटम डैट गिव मी मोर न्यूट्री न्यूट्रीशन टू टू पर्टिकुलरली अवर ब्रेन आर कॉल्ड ब्रेनी फूड ब्रेनी फूड कहते हैं उसे ओके तो गिवेन बिलो आर इमेज ऑफ सम कॉमन फूड आइटम डाइट बूस्ट अवर ब्रेन रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम डैट यूज इज आट यूजिंग इन हेल्प बॉक्स मतलब कुछ uh, यहाँ पे कुछ ऐसे वो दिए गए हैं uh, यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स है और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसको जिसके थ्रू आप इसको बताएंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हमारा इट इज़ अ फ्रूट विथ हार्ड शेल एंड ईटेबल पार्ट इन साइड इट लुक्स लाइक ह्यूमन ब्रेन मतलब ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके बाहरी वाला जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है हाँ एंड ईटेबल पार्ट इन और खाने वाली चीज अंदर होती है और टू हंड्रेड अच्छा, से भी ज्यादा वेराइटीज है इसकी तो स्टूडेंट इट इज वॉलट वॉलट होता है अखरोट यहाँ पे आप देख पा देख भी पा रहे हो गे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है हमारा दिस इज ऑल्सो नोन एज nature's मोस्ट complete फूड मतलब ये एक ऐसा नेचर ये एक ऐसा प्रकृति भोजन लेते हैं हम जो कि जिसको खा लेते हैं कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एंड कंप्लीट फूड होता है ठीक है इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड बूस्टिंग अमाउंट ऑफ विटामिन मतलब ये इसमें बहुत सारे कैल्शियम्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को डेवलप करते हैं और यहाँ पे एंड अ बूस्टिंग अमाउंट ऑफ विटामिन और यहाँ इस पे विटामिन भी होती है जो कि हमें बहुत सारे डिसीज से प्रोटेक्ट करती है तो स्टूडेंट इट इज मिल्क विच वी गेट फ्रॉम काउ गोट एक्सेट्रा नेक्स्ट है थर्ड डिस्क्रिप्शन है हमारी इट इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम ये बहुत ही पोषक इसमें पाया जाता है इट इज मेड वेन मिल्क तो यहाँ हम देख रहे देख हैं देख पा रहे हैं थर्ड डिस्क्रिप्शन है हमारा इट इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम इट इज मेड वेन मिल्क इज एडेड विथ गुड बैक्टीरिया वाइल्ड ईटिंग इट इसमें क्या होता है ये एक ऐसा न्यूट्रिश आइटम है बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये जो है मिल्क से बना होता है और जब मिल्क इसमें ऐड होता है तो यहाँ पर गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मुल नहीं होते हैं जब हम खाते हैं स्टूडेंट इट इज़ इस याकूड इसे हम याकूड कहते हैं बाई ओ जी एच यू आर टी फोर्थ डिस्क्रिप्शन है हमारा दे आर पैक्ड विद रॉ न्यूट्रिश न्यूट्रियट अनलाइक शुगरी फूड एंड कैन ऑल्सो बूस्ट अबर ब्रेन एंड इम्यूनिटी इम्यूनिटी ये जो होते हैं ये रॉ होते हैं मतलब uh, कच्चे होते हैं और ये हमारे ब्रेन और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं स्टूडेंट इट इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स देन फिफ्थ डिस्क्रिप्शन है हमारा इच यूनिट कंटीन सिक्स ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड नाइन टाइप ऑफ एमिनो एसिड आर नीडेड फॉर ब्रेन फॉर बॉडी एंड ब्रेन डेवलपमेंट मतलब ये एक ऐसा यूनिट कंटीन मतलब इस यूनिट में छ्राम प्रोटीन पाए जाते हैं और नाइन टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं डेट आर नीडेड फॉर बॉडी एंड ब्रेन डेवलपमेंट जो की बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है इट इज एग जो है हमें डेली लेना चाहिए फिस्थ सिक्स डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन हमारा इट इज मेड बाई पीनट मतलब ये जो होता है पीनट पीनट मतलब होता है मूंगफली मूंगफली के द्वारा बनाई जाती है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई ये विटामिन ई e का बहुत अच्छा स्रोत है दैट थेमाइन विच हेल्प अस टू बूस्टिंग एंड थेमाइन विच हेल्प्स टू बूस्टिंग इन ब्रेन और इसमें थेमाइन होती है जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो स्टूडेंट इट इज़ सॉरी हाँ इट इज पीनट बटर देखिए आप देख पा रहे होंगे पीनट तो पीनट के उससे बन रहा है तो ये पीनट बटर होगा जो जो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में भी दिया है पीनट बटर देन सेवेंथ डिस्क्रिप्शन इज इट इट इज नॉट नट बट अ फ्रूट ये मतलब नट मतलब इसको ड्राई फ्रूट नहीं कहते हैं ये हमारा एक फ्रूट है इट एनहेंसेज आवर मेमोरी पावर ये हमारे जैसे आप कहते नहीं मेरी मेमोरी पावर मेरी याद करने की पावर थ्री थो थोड़ी थो थो जा रही है तो ये उसको बूस्ट करता है इट ऑल्सो कंट्रोल डायबिटीज एंड वेट और ये हमारी डायबिटीज और जो हमारा वजन बढ़ता जाता है उसको भी कंट्रोल करता है स्टूडेंट इट इज आलमंडलमंड मतलब होता है बादाम uh, जो कि हमें डेली खाना चाहिए देन एड डिस्क्रिप्शन है हमारा इट इज़ अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड एज इट गिव अस लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी यहाँ क्या है इट इज़ अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड एज इट गिवस लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी ये जो है बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए जो कि ये हमारे हमें बहुत ही एनर्जी देता है दे आर ऑल्सो गुड फॉर आवर नर्वस सिस्टम और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है तो इट इज़ ओट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी फर्स्ट है हमारा वॉलट सेकेंड मिल्क थर्ड याकूट फिर फोर्थ है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स देन एग पीनट बटर आलमंड्स एंड ओट्स सो थैंक यू स्टूडेंट्स